हेलो दोस्तों, वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। 58 सीसी का यह 400 मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले हमें फ्यूल टैंक में फ्यूल चेक करना चाहिए। फ्यूल टैंक का कैप खोलकर हम फ्यूल चेक करेंगे। देखिए, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भरा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ है। 400 मशीन का जब भी आप रिपेयरिंग करें, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल चेक कर लें। यह हाईमैक्स कंपनी का 400 मशीन 58 सीसी का है। स्टार्ट करने से पहले हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऊपर में ऑन होता है, स्विच ऑन हो चुका है। चले देखते हैं इस मशीन में क्या प्रॉब्लम है। आपके पास भी लकड़ी काटने वाला 400 मशीन है और स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यह वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। यह वीडियो को पूरा एंड तक देखकर आप अपने मशीन को घर पे ही रिपेयरिंग कर सकते हैं। 400 रिपेयरिंग करना बहुत ही आसान है। स्टार्ट ना होने पर हम चौक का इस्तेमाल करेंगे। चौक लीवर को हम बाहर की तरफ खींचेंगे। चौक लीवर को हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो मशीन चौक में हो जाएगा। अभी मशीन चौक में है। देखिए, कुछ भी खराब हो सकता है। बिना चेक के आपको क्या बताएं क्या खराब है। यह 400 मशीन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। चौक में भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए, जब तक आप चेक नहीं करेंगे ना, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या खराब है। बिना चेक किए तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्या खराब है। मेरे को भी चेक करना पड़ता है। पहले मैं चेक करूंगा स्पार्क प्लग। सबसे पहले मैं टॉप कवर को खोलूंगा। टॉप कवर खोलने के बाद स्पार्क प्लग को खोलूंगा। स्पार्क प्लग में करंट चेक करूंगा। करंट किस तरह से चेक करना है मैं अभी आपको चेक करके दिखाऊंगा। अगर स्पार्क प्लग में करंट कम आएगा या बिल्कुल भी नहीं आएगा तो मैं स्पार्क प्लग को चेंज करूंगा। एक नया स्पार्क प्लग लगाकर देखूंगा, मशीन को स्टार्ट करूंगा। अगर न्यू स्पार्क प्लग लगाने के बाद भी मशीन स्टार्ट नहीं होगा, फिर मैं चेक करूंगा फ्यूल पाइप एंड कार्बोरेटर। टॉप कवर में 4mm का 5 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ रहता है। यह 5 एलेंकी बोल्ट मैंने खोल दिया है। अब टॉप कवर को बाहर निकालने के लिए मैं स्पार्क प्लग को खोलूंगा। प्लग रेंच लेकर आप स्पार्क प्लग को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। देखिए, स्पार्क प्लग खुल चुका है। यह है स्पार्क प्लग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, यह है स्पार्क प्लग। यह स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलिए चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, स्पार्क प्लग में करंट आना बहुत ही जरूरी है। अगर स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा तो आपका मशीन स्टार्ट नहीं होगा। आपके 400 मशीन का स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है तो आप एक नया स्पार्क प्लग लगा कर देखिए। टॉप कवर खोलने के बाद कैप रबर और चौक लीवर दोनों को मैं बाहर निकाल देता हूँ। टॉप कवर आप जब भी खोलें, चौक लीवर और कैप रबर दोनों को आप बाहर निकाल दें। 400 मशीन स्टार्ट करते समय फ्लाईव्हील के अंदर ना चला जाए, इसलिए मेरे को ये सब खोलना पड़ता है। स्पार्क प्लग में करंट चेक करने के लिए स्पार्क प्लग को प्लग कैप में लगाना पड़ता है। स्पार्क प्लग का प्लग कैप में देख लीजिएगा, स्प्रिंग लगा हुआ होना चाहिए। देखिए, स्प्रिंग लगा हुआ है प्लग कैप में। स्पार्क प्लग को प्लग कैप में आप जब भी लगाएं आपको चेक करना है। स्पार्क प्लग लूज नहीं होना चाहिए। स्पार्क प्लग बिल्कुल टाइट होना चाहिए प्लग कैप में लगाने के बाद। देखिए, स्पार्क प्लग में करंट तो आ रहा है, बट मेरे को लग रहा है स्पार्क प्लग में करंट कम आ रहा है। तो दोस्तों, मैं इस मशीन में एक नया स्पार्क प्लग लगाने वाला हूँ। ये देखिए, न्यू स्पार्क प्लग लगाकर यह मशीन को स्टार्ट करूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका 400 मशीन स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होकर बंद हो जाता है, या स्टार्ट करके आप जब भी एक्सेलेटर को प्रेस करते हैं पिकअप अचानक से कम हो जाता है, मशीन अचानक से बंद हो जाता है, स्पार्क प्लग में करंट कम आने से यह प्रॉब्लम होता है। आपके 400 मशीन का स्पार्क प्लग में करंट कम आ रहा है तो आप एक नया स्पार्क प्लग लगाकर देखिए। कई बार मैंने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। 400 मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है, स्पार्क प्लग को चेंज करके देखिए, एक न्यू स्पार्क प्लग लगाकर देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। न्यू स्पार्क प्लग लगाने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना चाहिए। कार्बोरेटर, रिंग, पिस्टन, सिलेंडर, ये सभी को चेक कीजिए। बिना चेक किए पता नहीं चलेगा क्या खराब है, चेक करना पड़ता है। स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं मशीन को चौक में स्टार्ट कर रहा था। चलिए, चौक से हम हटा देते हैं। यह मशीन चौक में भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपका 400 मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है तो आप कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट कर सकते हैं। इस पर भी हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है। कार्बोरेटर का ट्यूनिंग किस तरह से सेट करना है, मैंने इस पर बहुत सारा वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देख कर ट्यूनिंग सेट कर सकते हैं।
दोस्तों यह चैनसो मशीन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद भी यह मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने इस मशीन में एक न्यू स्पार्क प्लग लगाया, फिर भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब मैं कार्बोरेटर को खोलकर बाहर निकालूंगा। कार्बोरेटर को खोलकर बाहर निकालने के बाद मैं चेक करूंगा फ्यूल पाइप में फ्यूल, पेट्रोल पाइप में पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है। कार्बोरेटर को खोलकर बाहर निकालने के बाद मैं चेक करूंगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह है एयर फिल्टर एडेप्टर। अगर यह टूटा हुआ, फटा हुआ, कटा हुआ, डैमेज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। आप इसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। यह एयर फिल्टर एडेप्टर बिल्कुल सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कहीं पर भी फटा हुआ, कटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज नहीं है। आप अपने मशीन का जो भी स्पेयर पार्ट्स खोलें आप उसे अच्छी तरह से चेक कर लें। देखिए मैं फ्यूल पाइप को खोल रहा हूँ, पेट्रोल पाइप को खोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि देखा आपने, पेट्रोल पाइप में पेट्रोल आ रहा है। फ्यूल पाइप एंड फ्यूल फिल्टर दोनों बिल्कुल सही है। फ्यूल पाइप में 4 mm का एलेंकी डाल रहा हूँ ताकि पेट्रोल बाहर ना गिरे। एयर पाइप को भी इस तरह से खींचकर हम बाहर निकालेंगे। एयर पाइप खुल चुका है। अब मैं खोलने वाला हूँ एक्सीलेटर रॉड। कार्बोरेटर में एक्सीलेटर रॉड लगा हुआ है, खुल चुका है। देखिए ये कार्बोरेटर वाल्ब्रो कंपनी का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए वाल्ब्रो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, पेट्रोल पाइप में पेट्रोल आ रहा है, फ्यूल पाइप में फ्यूल आ रहा है। अब मैं इस मशीन में लगाऊंगा एक न्यू कार्बोरेटर। ये देखिए UDS गोल्ड का कार्बोरेटर यह मशीन में मैं लगाकर मशीन को स्टार्ट करूंगा। देखिए मैंने इस मशीन में न्यू स्पार्क प्लग लगा दिया, मशीन स्टार्ट नहीं हुआ। अब मैं लगाने वाला हूँ न्यू कार्बोरेटर। यह नया कार्बोरेटर लगाने के बाद भी मशीन स्टार्ट नहीं होगा तो मैं चेक करूंगा रिंग पिस्टन और सिलेंडर। मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप उसे ध्यान से सुनिए। अगर चैनसो मशीन का रिंग पिस्टन और सिलेंडर पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा ना, तो न्यू स्पार्क प्लग और न्यू कार्बोरेटर लगाने के बाद भी मशीन स्टार्ट नहीं होगा। मैं ये नया कार्बोरेटर लगाकर मशीन को स्टार्ट करूंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं रिंग पिस्टन और सिलेंडर सभी को बाहर निकाल कर चेक करूंगा। फ्यूल पाइप हमने लगा दिया है। अब मैं लगा रहा हूँ एक्सीलेटर रॉड। देखिए एक्सीलेटर रॉड भी लग चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं लगाने वाला हूँ एयर पाइप। एयर पाइप ऊपर में आप इस तरह से लगा दीजिए। आप अपने मशीन का एयर पाइप और फ्यूल पाइप दोनों को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। कटा हुआ, फटा हुआ, डैमेज नहीं होना चाहिए। फ्यूल पाइप कटा हुआ, फटा हुआ, डैमेज है तो आप उसे चेंज कीजिए और एक नया पाइप लगाइए। किसान भाइयों, हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं मशीन और वीडियो के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। आप यह चैनसो मशीन रिपेयरिंग वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अभी लिखिए अगला रिपेयरिंग वीडियो मैं किस मशीन पे बनाऊं। जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे मैं उसी मशीन का रिपेयरिंग वीडियो बनाऊंगा। क्या मैं आपसे थोड़ा पार्टनरशिप कर सकता हूँ? हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यह वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आसपास मैकेनिक नहीं है। देखिए जरा आसपास ना, किसान मशीन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। कार्बोरेटर को आप जब भी फिट करें एक्सीलेटर को इस तरह से प्रेस करके देख लें, एक्सीलेटर रॉड कार्बोरेटर में सही से लगा हुआ होना चाहिए। चलिए न्यू स्पार्क प्लग और न्यू कार्बोरेटर लगाने के बाद मैं मशीन को स्टार्ट करूंगा। रिकॉइल स्टार्टर खींचकर हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, न्यू कार्बोरेटर लगाने के बाद मशीन एक बार में स्टार्ट हो गया। चलिए स्विच ऑन करके एक बार हम फिर से मशीन को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे।
बिल्कुल सही चल रहा है। आपका चैनसो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप भी चेंज करके देख सकते हैं स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर। स्विच ऑन करेंगे और एक बार फिर से स्टार्ट करके चेक करेंगे। यह वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।